गुड मॉर्निंग टू एवरी वन. आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल. माई नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर. दैट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट. टुडे इज 2nd of May 2020 एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हेयर. आई हैव स्टार्टेड अ लाइव प्रोसेस फॉर द क्लास 10th एंड दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर दैट कम्स अंडर द बायोलॉजी. क्लियर. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन. Then we are discussing, we discuss about the exchange of gases, transport of gases. Yesterday I told you about the transportation in the human being. Before going ahead, because we require energy and motivational quote give us so much energy, बहुत सारी energy हमारी energy से fill कर देता है और हमें बहुत ज़्यादा confidence आ जाता है और हमें अंदर से ऐसी feeling आ जाती है कि नहीं अब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है. तो देखो कितनी अच्छी line लगा रखी है मैंने. The best and the faster way to acquire self-confidence is to what you scared to do. मतलब अगर आपको लगता है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे होगे आपको या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उससे आपको डर लग रहा है, मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. आप यू कैन नॉट, यू आर नॉट एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस. आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. कॉन्फिडेंस तभी नहीं आता क्योंकि जब आप उसमें वीक होते हो. तो जिस चीज़ में भी वीक हो ना, जिससे आपको डर लग रहा है, उसको आप ज़्यादा, उसमें ज़्यादा मेहनत करो. ठीक है. तो जो भी जिससे आपको डर लग रहा है उसको करना स्टार्ट कर दो. जैसे अगर अगर किसी को रात में डर लगता है, ठीक है, अब उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या करे. अब मैं यही, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि अब वो क्या करे कि उससे लड़ने की कोशिश करे, क्योंकि उससे डर लगता है. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन जब वो ऐसा करेगा तो उसके अंदर वो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो डर कभी उसके अंदर आएगा नहीं. ठीक है. सेम एज़ विद द स्टडी ऑल्सो, स्टडी के साथ भी यही चीज़ें. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इम्प्लीमेंट दिस लाइन इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए. वट यू जस्ट डू वट एवर यू स्केयर टू, जिससे आप डरते हो उसको करने की कोशिश करो. आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप, यू कैन गेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस. लेट्स स्टार्ट द लेसन. लेसन को स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ टुडे. आज के क्या क्या टॉपिक हैं. यस्टरडे आई टोल्ड यू इन द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बींग. लाइक एज आई जस्ट कंपेयर द ट्रांसपोर्टेशन सराउंडिंग टू अस, लाइक एज रोड, बस. Then we discuss about the motor that run the bus, जो बस को चलाता है. Same as in our body, हमारे भी body में क्या है कि हमारे body में वही तीन component वैसे ही काम करते हैं. Blood, जैसे बस के अंदर लोग बैठ के जाते हैं, ऐसे ही blood भी होता है. Blood क्या करता है कि blood carry the different substances, blood जो है वो different substances को carry करता है. अब वो कहाँ पे flow होगा, what will be the medium of the blood, that will be the blood vessels, वो blood vessels होंगी. ठीक है. Then we discuss the who pump the blood, मतलब कौन पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा. तो आई टोल्ड यू अबाउट द थ्री कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी एंड वी हैव डिस्कस द फर्स्ट वन. पहला हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज़ द सेल्स एंड द ब्लड. ठीक है. इन द ब्लड आई टोल्ड यू दैट ब्लड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्लाज्मा एंड द सेल्स. प्लाज्मा प्रोवाइड अ मीडियम एंड द सेल्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. आई टोल्ड यू द फंक्शन ऑफ RBC, WBC एंड देन प्लेटलेट्स. तीनों के फंक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए थे. तीनों की डेफिशिएंसी में क्या हो सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेसल्स. अब हम वेसल्स के बारे में पढ़े जा रहे हैं. ठीक है. इन आवर बॉडी बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ वेसल्स. तीन टाइप की वेसल्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ आर्टरी, सेकेंड वन इज़ कैपिलरी एंड थर्ड वन इज़ द वेन. ठीक है. ये तीन टाइप की, ठीक है, तो तीन टाइप की वेसल्स होती हैं. पहला का नाम है आर्टरी. ठीक है. उसके बाद देख रहे होगे कि हार्ट से व्हेनेवर एनी वेसल्स इमर्ज फ्रॉम द आर्टरी, अगर कोई भी वेसल आर्टरी से हार्ट से निकल रही है, तो ये कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग में बैठा लो. ये तुम्हें यहाँ नहीं, जब बायोलॉजी लोगे, मेडिकल में जाओगे, बहुत काम आएगा, हमेशा काम आएगा. ठीक है. कि अगर हार्ट से कोई भी वेसल्स निकल रही हैं तो उनका नाम क्या होगा, आर्टरी होगी. ठीक है. आर्टरी, व्हेन द आर्टरी विल मूव फर्दर, आगे की तरफ जाएंगे, तो वो क्या डिवाइड हो जाएंगे, बहुत सारी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरी. ठीक है. फिर कैपिलरी क्या होगा, कैपिलरी जब आप बॉडी के बाहर से, मतलब बाहर निकलेगा, तो वो किस में फॉर्म हो जाएगा, वेन में फॉर्म हो जाएगा. समझ में आया. तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है. हार्ट से वेसल निकली, कौन सी वेसल निकली, आर्टरी. वो आगे जाके ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैपिलरी के थ्रू, क्योंकि कैपिलरी बहुत फाइन ब्रांचेज होती हैं और आर्टरी जो है थिक होती हैं. ठीक है. कंपेरेटिवली टू द कैपिलरी, तो कैपिलरीज कैन इंटर इन डेलिकेट ऑर्गन, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में इंटर कर सकती है, लाइक इज आइज़. अगर आप आइज़ में देखते हो कि कभी आपको इन्फेक्शन हो जाता होगा तो आइज़ रेड हो जाती हैं, या आइज़ में आप अच्छे से, अगर आप आइज़ में देखो तो आपको बहुत फाइन ब्रांचेज दिखती हैं. दोज ऑल आर कैपिलरी, वो कैपिलरी ही हैं.
फिर जब कैपिलरी बॉडी के बाहर निकलेगी, मतलब बाहर जब जाएगी, तो दैट विल फॉर्म वेन, और वो क्या बना लेगी, वेन बना लेगी। एंड रिमेंबर द वेन विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। आर्टरी क्या करेंगी, हार्ट से मूव करेंगी, और वेन क्या होगा, हार्ट की तरफ जाएंगी। क्लियर है, समझ में आया? तो ये तीन टाइप की वेसल्स होती हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू द एवरी थिंग अबाउट डीज वेसल, इन वेसल्स के बारे में सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन आई एम टेकिंग आर्टरी, सबसे पहले हम आर्टरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एक तो पहला ये कि इट जस्ट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये कैरी करेगी ब्लड को हार्ट से। और तुम्हें पता है हार्ट क्या है, एक मोटर की तरह है। हार्ट इज़ एक्टिंग एज अ मोटर। मोटर क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। आप अपने घर में देखते होंगे कि जो भी पाइप आपके मोटर से लगाई गई होगी, दैट इज़ वेरी थिक, वो बहुत स्ट्रांग लगाई जाती है, काफ़ी मजबूत होती है वो, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि जब मोटर पंप करता है वाटर को, तो अगर वो पाइप बहुत वीक होगी तो पाइप क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। सेम एज़ हार्ट भी क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, फोर्सली पंप कर रहा है। दैट प्रेशर कैन बियर ओनली बाई आर्टरी, वो जो प्रेशर है ना, जो हार्ट एग्जर्ट कर रहा है, दैट प्रेशर ऑफ द ब्लड कैन ओनली बी बियर बाय द आर्टरी। वो कैप वेन उस प्रेशर को बियर नहीं कर सकता। दिस इज़ द रीज़न वाई द आर्टरी ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। एंड वन थिंग यू गॉट टू नो दैट आर्टरी कैन कैरी द ब्लड विद हायर प्रेशर, ये ब्लड को जो है हायर प्रेशर से कैरी कर सकती हैं, समझ में आया, ठीक है। वेन के नहीं कर सकती, दैट्स वाई द वेन पोर द ब्लड इनटू द हार्ट, दे डोंट कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। क्लियर है? तो आर्टरी क्या है, पहला पॉइंट क्या मिल गया कि आर्टरी कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। सेकंड, वट एवर ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट एंड आर्टरी कैरी दोज ब्लड, दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किस टाइप का ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, मतलब दैट ब्लड विल बी प्योर, मीन्स दैट विल कंटेन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इट विल डिस्ट्रीब्यूट, आर्टरी विल डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। क्लियर है? तो आर्टरी के बारे में दो पॉइंट क्लियर हो गए, और भी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की तरफ। देखो आर्टरीज़ के बारे में, एक तो इनकी डायामीटर बड़ी होगी, मतलब इनकी जो डायामीटर होगी ज़्यादा होगी, और ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि जब जैसे इन पे प्रेशर पड़ता है ये क्या हो जाती हैं, डायलेट हो सकती हैं, ठीक है, फैल सकती हैं, दैट्स वाई दे आर फ्लेक्सिबल आल्सो, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होती हैं। मोर प्रेशर, स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेना, ठीक है, मोर प्रेशर, दे कैन बियर मोर प्रेशर। और अगर आप अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप अपने पाम, मतलब हाथ को ऊपर से देखो, स्किन को ऊपर से देखो, तो आपको वेसल्स नज़र आएंगी, ठीक है। ऑन योर पाम, ऑन योर हैंड, यू विल ऑब्जर्व द वेसल, आपको वेसल नज़र आएंगी। ये वेसल वेन है, जो आपको स्किन के ऊपर जो इतनी भी वेसल्स नज़र आती हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये सारी वेसल्स क्या होती हैं, ये वेन होती हैं। आर्टरीज़ डीप होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, क्यों, क्योंकि आर्टरीज़ जो है, विच टाइप ऑफ ब्लड दे आर कैरिंग, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, और उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी स्मॉल कट हो जाता है, तो आपको ब्लड बहुत कम निकलता है, बहुत ज़रा सा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, वो वेन से आ रहा है। लेकिन अगर आपको कभी डीप कट हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो एक्सीडेंट था वो तो बहुत बहुत मतलब माइन्यूट था, लेकिन आपको डीप कट हो गया, डीप कट होने के बाद आपका ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत तेज़ फ्लो करता है, तो इसका मतलब है क्या, आपकी कौन सी वेसल्स में इंजरी आई है, कौन सी वेसल्स कट हो गई हैं, दैट इज़ आर्टरी, बिकॉज आर्टरी कैरी द ब्लड विद मोर प्रेशर। दिस इज़ द रीज़न वाई द आर्टरी आर प्रेजेंट डीप इन द स्किन, इसीलिए डीप होती हैं, समझ में आए। एंड दे ऑलवेज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हमेशा हार्ट से ब्लड को लेके निकलेंगी, बिकॉज दे कैन बियर द प्रेशर ऑफ द ब्लड दैट इज एग्जर्टेड बाय द हार्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आर्टरी के बारे में समझ में आ गया, एक आर्टरी ऐसी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, जब वेन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ट, तब मैं वहाँ बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो ऑल द आर्टरीज एक्सेप्ट ऑफ वन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो इसकी एक ट्रिक भी है, आ से आर्टरी, आ से अच्छा, ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा, यू कैन टीच योर किड्स आल्सो, आप अपने किड्स को भी पढ़ा सकोगे आगे कि मेरे सर ने ऐसे ही बताया था, ऐसी ट्रिक बताई थी, आ से आर्टरी, आ से अच्छा, आ से अच्छा भी कर सकते हो, आ से ऑक्सीजनेटेड भी बोल सकते हो, तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आर्टरी विच टाइप ऑफ ब्लड कैरीड बाई द हार्ट, समझ में आए। इन्जॉय कर रहे हो सब्जेक्ट को, कमेंट बॉक्स में लिखना, हाँ सर बहुत मज़ा आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वेन पे, अब वेन पे आ जाते हैं, वेन का देखो मैंने कलर भी स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वेन कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वेन क्या कैरी करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं,
ठीक है, एंड दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द टू द हार्ट, ये हार्ट को ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। कभी भी हार्ट से जो भी वेसल्स निकलेंगी वो वेन नहीं होंगी, वो हमेशा क्या होंगी, आर्टरी होंगी। क्यों? क्योंकि ये थिन होती हैं एंड दे कैन नॉट बियर मोर प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बियर नहीं कर सकते। अब ये मैंने आपको बताया ना कि सरफेस की मतलब आपकी जो स्किन है उस पर जो सरफेस है, वॉट एवर वेसल्स यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन दोज ऑल आर वेन, वो सब वेन है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाई थी, ये आर्टरी किस टाइप का ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड, फिर कैपिलरी में डिवाइड होगी, कैपिलरी टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये जान लो टिश्यू का पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो टिश्यू है, मैं इसको फिर से ऐसे कर दे रहा हूँ, ये जो पार्ट है वो टिश्यू वाला पार्ट है, मतलब सेल्स ऑर्गन, मान लो ये ऑर्गन है या टिश्यू है जहाँ पे ब्लड को दिया, ब्लड जा रहा है। और तुम्हें पता है ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये सब किसको चाहिए होता है, सेल्स को चाहिए होता है। उसके बाद देखो ये जो कैपिलरी हैं ये वेन में चेंज हो गई, वेन में किस टाइप का ब्लड आ गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। अब बताओ अगर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पीछे की तरफ आ जाए, बैकवर्ड आ जाए, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी क्या बना देगा, डी ऑक्सीजनेटेड। देखो अगर ख़राब कोई चीज़ है वो पीछे आ जाए तो वो गड़बड़ है, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ है और वो ख़राब की तरफ चली जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपके घर में वाटर का जो सप्लाई होगी, जो पाइप्स होंगी उनमें जो प्योर वाटर अगर वो सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो प्योर वाटर आगे जाके ड्रेन से मिल जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ड्रेन का वाटर, ठीक है, ड्रेन का वाटर अगर किसी तरह आपके प्योर वाटर में आ जाए तब प्रॉब्लम है। तो हमें किसको रोकना है, हमें मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस को रोकना है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर ब्लड को रोकना है। प्योर ब्लड को रोकने की कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई वेन हैव वॉल्व, वेन में क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। एक बार अगर ब्लड वेन में आ गया तो वो पीछे की तरफ नहीं आएगा, समझ में आया। तो इसकी भी एक ट्रिक है, वी फॉर वॉल्व, वी फॉर वेन। तो वॉल्व किस में प्रेजेंट होते हैं, वेन में प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसका रीज़न भी मैंने बताया। अब देखो एक और ट्रिक है, वी से वेकार और वी से वेन, ठीक है। तो किस टाइप का ब्लड कैरी करेगी वेन, डी ऑक्सीजनेटेड। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एक्सेप्ट ऑफ वन, केवल एक ऐसी वेसल होगी दैट विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली वन वेन विल बी देयर, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी बाद में पढ़ेंगे वो। समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्टरीज क्लियर हो गया, वेन समझ में आ गया, वेन क्या होती हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, कैपिलरी। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ना कि कैपिलरी जो होती हैं वो एक्सटेंशन होती हैं और ये थिन होती हैं, ठीक है। इनका थिन होने का एक रीज़न है कि दे हेल्प इन द एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज में कैसे हेल्प करती है, जैसे ये कोई टिश्यू है, ठीक है, कंसीडर इट इज़ अ टिश्यू, ये टिश्यू है, इसमें ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं, ठीक है। अब जो है जो कैपिलरी हैं दे आर कैरिंग द ब्लड, वो ब्लड को कैरी कर रही हैं, ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी हो गई, ठीक है, कैपिलरी हो गई। इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, इसमें ये ब्लड मतलब पार्टिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ऑक्सीजन है, फूड पार्टिकल्स हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। नाउ द टिश्यू रिक्वायर ऑक्सीजन, टिश्यू के क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है। अब टिश्यू में व्हेन द टिश्यू विल टेक द ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म CO2, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, वेस्ट सब्सटेंसेस बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, समझ में आया। दैट्स वाई दे आर हैविंग थिन वॉल, क्योंकि अगर ये वॉल थिक होगी तो देयर कैन नॉट बी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, समझ में आया। दैट्स वाई कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ थिन वॉल, इसीलिए कैपिलरी थिन वॉल के बनी होती है। एंड दे ऑलवेज एंटर इन द डेलिकेट ऑर्गन, डेलिकेट मतलब जो सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे ब्रेन में, आईज में, वहाँ पे कौन एंटर, किडनी के अंदर, किडनी तक तो आर्टरीज और वेन होंगे, लेकिन किडनी के अंदर पार्ट में कौन सी वेसल्स जाएंगी, कैपिलरी जाएंगी, समझ में आ गया। तो इस तरह से तीन टाइप की वेसल्स हो गई, आर्टरीज, वेन और कैपिलरी, और इनकी मैंने आपको अरेंजमेंट भी बता दी कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आवर पंप, दैट इज़ हार्ट, मतलब हमारा पंप का मतलब, यहाँ पे आवर पंप का मतलब है कि हमारे बॉडी में हु विच पार्ट पंप द ब्लड, ठीक है, कौन सा पार्ट ब्लड को पंप करता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड आउट द साइंटिस्ट नेम, ठीक है, हु डिस्कवर्ड दैट हार्ट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन, जिसने सबसे पहले बताया था कि हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है, आवर पंप दैट इज हार्ट,
ठीक है। अब देखो हार्ट लोकेटेड कहाँ पे होता है, मैंने आपको जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो बताया था कि यहाँ पे ये बिटवीन द टू लंग्स स्लाइटली लेफ्ट, यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द हार्ट, ये लोकेशन होती है हार्ट की। अब जो साइज़ है हार्ट की, दैट इज़ जस्ट इक्वल टू द फिस्ट, मतलब कोई भी जैसे अगर बेबी है तो उसकी जो फिस्ट की साइज़ होगी सेम साइज़ किसकी होगी, हार्ट की होगी। अगर कोई एडल्ट है तो उसकी जो फिस्ट की साइज़ होगी वो भी किस वो सेम साइज़ किसकी होगी, हार्ट की होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो हार्ट क्या है ना, हार्ट एक तो एक पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट एक जो है वो कह सकते हैं कि वो उसमें एक ऐसा पार्ट है जिसमें चैम्बर्स होते हैं, मतलब अलग अलग उसके अंदर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। चैम्बर्स इन द सेंस, जैसे आपने दीवान या बेडिंग देखी होगी, तो बेडिंग जब आप उसमें प्लाई उठाते होगे तो उसमें अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, उन चैम्बर में अलग अलग उनका रोल होता है। अगर आप अपने घर में जो आपके पास दीवान है या बेडिंग रखी होगी, बेड रखा होगा, उसको जिसकी जब प्लाई उठाओगे तो हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट होता है। किसी में चार होता है, किसी में दो होता है, जो चैम्बर बने होते हैं, हर एक चैम्बर में अलग अलग उसका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गए फोर चैम्बर। तो इस तरह से कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, फोर चैम्बर्स होते हैं। फोर चैम्बर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक दो चैम्बर राइट की साइड होते हैं, राइट साइड होते हैं, और दो चैम्बर लेफ्ट साइड होते हैं। मतलब अगर हार्ट है, ठीक है, अगर हार्ट है, सपोज मैंने ऐसे बॉक्स की तरह मैं बना रहा हूँ, ये हार्ट है, तो हार्ट के दो पार्ट हो गए, एक राइट पार्ट हो गया और एक क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से एक राइट पार्ट होता है हार्ट का और एक लेफ्ट, ठीक है, और इन्हीं चैम्बर अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो कितने चैम्बर हो गए, चार चैम्बर हो गए। तो जो राइट वाला पार्ट है, जो अपर वाला पार्ट है, उसको बुलाते हैं आट्रियम। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो जो अपर वाला पार्ट है ये आट्रियम हो गया, और जो लोअर पार्ट है ये होता है वेंट्रिकल, मतलब जो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, आट्रियम। मैं आपको बॉक्स की हेल्प से बता दे रहा हूँ, जैसे सपोज ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के मैंने अभी बताया कितने पार्ट होते हैं, दो, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। समझ में आया, ठीक है। अब ये जो चैम्बर हैं ये ऊपर और नीचे, मतलब अपर एंड लोअर, दो चैम्बर और डिवाइड हो जाते हैं। जो अपर चैम्बर होते हैं ए फॉर आट्रियम या आट्रिया, इनको बुलाते हैं आट्रिया या आट्रियम। जो लोअर चैम्बर होते हैं इनको बुलाते हैं वेंट्रिकल। समझ में आया, ठीक है। और राइट चैम्बर और लेफ्ट चैम्बर दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू, एक टिश्यू के हेल्प से दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं एक टिश्यू से, जिसको बोलते हैं सेप्टा। कौन सा टिश्यू होता है जो सेपरेट करता है, सेप्टा। और बायोलॉजी में, पूरी बायोलॉजी में याद रखना कि जहाँ पे भी सेप्टा वर्ड आ जाए, ठीक है, उसका मतलब ये होता है सेपरेशन से। तो विच पार्ट सेपरेट द राइट चैम्बर टू द लेफ्ट चैम्बर, दैट इज सेप्टा। आपने सुना होगा कि कभी कभी किसी किसी बच्चे में दिल में छेद होता है, तो एक्चुअली वो दिल में छेद, वो वाला छेद नहीं है कि आप ऐसे दिल बना के ऐसे तीर मारते हो, ये वाला छेद नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि ऐसी जब बेबी जब बर्थ होती है, ठीक है, तो बर्थ के पहले सेप्टा पूरी तरह से बना नहीं होता, धीरे धीरे ये सेप्टा का फॉर्मेशन होता है बर्थ के बाद तक। कभी कभी ये सेप्टा पूरी तरह से नहीं बन पाता, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये जो सेप्टा है ये पूरी तरह से नहीं बन पाया, पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हो पाया। अब देखो यहाँ पर गैप आ गया, अगर ये गैप आ गया तो यही जान लो वो होल है हार्ट में, ठीक है, समझ में आया। तो हार्ट में होल का मतलब क्या हो गया कि जो सेप्टा होता है वो पूरी तरह से फॉर्म नहीं हो पाता, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चारों चैम्बर समझ में आ गए कि ये आट्रियम है ऊपर के, और नीचे वाले चैम्बर को क्या बुलाते हैं, वेंट्रिकल। अब देखो आट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करते हैं, जो आट्रियम होता है ना वो वेंट्रिकल के कंपेयर में इसकी जो मसल्स होती है वो थिन होती है, और जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी जो मसल्स होती हैं, उनकी जो ये चैम्बर होते हैं वो थिक होते हैं। उसका एक रीज़न है क्योंकि ब्लड को नीचे से पंप करने में ज़्यादा पावर लगती है, ठीक है, तो जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा ऊपर की तरफ तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, अदरवाइज़ नहीं तो वॉल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। समझ में आए। तो आर्ट्रिया, और एक डिफरेंस होता है कि राइट साइड में जो भी ब्लड होगा वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, याद रखना राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया। तो ये मैंने हार्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है, और कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो का जो चैम्बर है, मतलब मैंने अभी बॉक्स की हेल्प से आपको बताया है
ठीक है। अब इसको क्या बुलाएंगे, राइट आट्रियम, इसको क्या बुलाएंगे, लेफ्ट आट्रियम। ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ये भी एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ब्लड जो है वो आ जा सकता है, ठीक है। राइट आट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, लेकिन कभी भी राइट वेंट्रिकल से राइट आट्रियम में ब्लड नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया अभी कि जो राइट आट्रियम है, फिर से देखो, फिर से बना रहा हूँ मैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। राइट आट्रियम, सबसे पहले राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल देखते हैं, ठीक है। राइट आट्रियम में ब्लड जब बॉडी पार्ट से आएगा तो ये कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में अगर एक बार ब्लड आ गया तो दैट कैन नॉट बैक फ्लो, वो पीछे की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगे होंगे, वॉल्व लगे होंगे, ये पहला वॉल्व यहाँ पे लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा होगा, वॉल्व, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया। सेम एज वॉल्व लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व लगे होंगे। तो अभी तक कितने वॉल्व हो गए, दो वॉल्व हमने पढ़ लिए, ठीक है। दो वॉल्व मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है। अब देखो, ये मैंने एक फ्लो चार्ट बना रख लिया है, इसको जूम करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये बता रहा है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। देखो, वेना केवा, जैसे वेन मैंने आपको बताया ना, एक बार मैं एक नई स्लाइड में आपको बता दूँ पहले लेके। देखो, वेन तो बता दिया, वेन क्या होता है, वेन, ठीक है। वेन कैरी विच टाइप ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लार्जेस्ट वेन होती हैं उनको बुलाते हैं वेना केवा। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ वेना केवा, तो लार्जेस्ट वेन इज़ नोन एज वेना केवा। अब देखो, वेना केवा दो टाइप की होती है, वेना केवा इज़ ऑफ टू टाइप। एक होती है सुपीरियर और एक होती है इन्फीरियर। बहुत इजी है बायोलॉजी, बहुत इजी है, ठीक है। एक सुपीरियर हो गई, एक इन्फीरियर हो गई। अब तुम्हें सुपीरियर मतलब पता है ऊपर, और इन्फीरियर मतलब नीचे, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा विल कैरी द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट, मतलब हेड से ब्लड को कैरी करेगी, और इन्फीरियर वेना केवा क्या करेगी, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को कैरी करेगी। समझ में आया, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे एक देखो इस पार्ट में क्या लिख रखा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट एंड द अपर बॉडी पार्ट विल पोर द ब्लड इन द राइट आट्रियम। सबसे पहले ब्लड को कहाँ पोर कर देंगे, राइट आट्रियम में पोर कर देंगे। राइट आट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल, ये बताओ किस टाइप का ब्लड है, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि तुम्हें पता है वेन किस टाइप का ब्लड कैरी करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड में क्या है, CO2 है, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी, देखो पल्मोनरी मतलब मैंने आपको रेस्पिरेशन में बता रखा है, पल्मोनरी जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका रिलेटेड है, उसका रिलेशन है लंग से, मतलब दीज आर्टरी विल कैरी द ब्लड इन द लंग। ये ब्लड को कहाँ लेके जाएंगी, लंग में लेके जाएंगी। और आपने लंग में फंक्शन पढ़ रखा है कि लंग में कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और हम उसको, और हमारे ब्लड में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। तो वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जो भी बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रहा है, ठीक है, वो लंग में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और जब लंग में जा रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जा रही है और ऑक्सीजन का इनटेक हो जा रहा है। अब देखो, तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब देखो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा दैट विल बी कैरीड बाई पल्मोनरी वेन, वो कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी वेन कैरी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वेन हार्ट की तरफ जाएगी, तो जब भी कोई वेसल हार्ट की तरफ जाएगी तो हमेशा वो वेन होगी, और जब भी कोई वेसल हार्ट से ब्लड को लेके जाएगी तो वो आर्टरी होगी। यही एक ऐसी आर्टरी है जिसके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और यही एक ऐसी वेन है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ में आया, बाकी आपको मैंने ट्रिक बता दी है कि वी से वेकार, वी से वेन, और आ से अच्छा, आ से ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यही एक ऐसी वेन और आर्टरी हैं जो अपोजिट ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। अब देखो, पल्मोनरी वेन ब्लड को कहाँ पोर करेगी, पल्मोनरी वेन पोर द ब्लड इन द लेफ्ट आट्रियम। लेफ्ट आट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओल्टा में, और एओल्टा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, फिर से वेन जो है वो कैरी करने लगेंगे। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको क्या पता लग रहा है कि एक सर्कुलेशन पता लग गया ब्लड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से स्लाइड लगा दी है। इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए हार्ट को पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा,
अगर मैं चाहता तो सबसे पहले आपको हार्ड ही पढ़ा देता, लेकिन तब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, तो इस पर्टिकुलर साइकिल को याद कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में मैं उन डाउट्स को पहले बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। अब देखो, एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वायरस पर। तो देखो, वी कैन नॉट, मतलब हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि टेम्परेचर का हमेशा इफ़ेक्ट पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, वो डिपेंड करता है। जैसे आपने अगर घर में आप कर्ड सेट करते होगे, इस समय घर पे आप पूछना अपने मदर से या लोगों से कि कर्ड को कैसे सेट करते हैं, मतलब दही कैसे जमाते हैं। तो होता क्या है कि मिल्क को पहले, सबसे पहले बॉयल करते हैं 100 डिग्री पे, फिर मिल्क को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, उसको 40 या 50 डिग्री पे लेके आते हैं, फिर उसमें हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं। तुम्हें पता है कर्ड में बैक्टीरिया होते हैं, कर्ड में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब इस जो मिल्क में हमने कर्ड ऐड कर दिया, अब उसको फ्रिज में नहीं रखते, उसको किसी वार्म प्लेस पे रखते हैं। तो इसका मतलब है जो कर्ड में के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, समझ में आए। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हाँ उनके मल्टीप्लीकेशन पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, कि वायरस जो है वो डारोमेंट में चले जाएंगे, मतलब वो कुछ फंक्शन नहीं करेंगे। अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत ही लो है, ऐसा भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर मान लो बहुत हाई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो मर ही जाएंगे, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे वो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा कर दें तो वायरसेस की डेथ हो जाएगी, नहीं, वायरस जो है डॉर्मेंट में चले जा सकते हैं, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में चले जा सकते हैं, हो सकता है उनकी डेथ भी हो जाए उसी रीज़न से, ठीक है, क्लियर है। तो आई एम एंडिंग द सेशन, सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, और ये साइकिल को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना, और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में आई विल क्लियर योर डाउट, डाउट को क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन।